नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल जिला के कस्बा चीका की नंदी गौशाला की हालत बद से बदतर है। भाजपा विधायक ग्वाला ने माना कि नंदी शाला को लेकर के कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। विपक्ष के लोगों पर उन्होंने झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष इसको जोर शोर से उठा रहा है। आप देख रहे हैं कैथल पल पल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। भाजपा विधायक ग्वाला कुलवंत बाजीगर ने चीका नंदी गौशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नंदी गौशाला के अंदर गायों और नंदियों की देखभाल के लिए इलाके की कई समाज सेवी संस्थाएं बड़ा अपना पूरा सहयोग दे रही है और इसके साथ साथ 25 लाख रुपए सरकार की ओर से भी अनुदान के रूप में इस पर लगाए गए हैं। विधायक द्वारा नंदी शाला के लिए बहुत कुछ कहने का दावा करने के बावजूद लोग यही कहते हैं कि कैथल जिला के कस्बा चीका की नंदी गौशाला की हालत आजकल बद से बदतर हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों का कहना है कि इस नंदी गौशाला के अंदर नंदियों की और अनेक गायें बीमार पड़ी हैं, मृत पड़े हुए हैं। पूरी नंदीशाला के अंदर बुरी तरह से बदबू मार रही हैं और नंदीशाला में लाचार और बीमार अवस्था में पड़े हुए नंदियों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। पूरी नंदीशाला में गंदगी का अंबार है, जहां तक कि नंदीशाला में फर्श नहीं होने के कारण जमीन पर दलदल बना हुआ है, जिस कारण पशु और कर्मचारी उसमें धस जाते हैं। ऐसी चर्चा है कि नंदी गौशाला को एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, जिसके कारण गौएं और नंदी इस राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इस नंदीशाला की कोई सुध नहीं लेने के कारण लोगों में भारी रोष है। चीका की इस नंदीशाला की दुर्दशा कैथल के ग्वाला विधायक को इस बारे में जब पूछा गया और उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं, दानी लोगों और सरकार द्वारा अनुदान देने के बावजूद भी नंदीशाला के रखरखाव में बहुत सारी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, क्योंकि नंदीशाला के अंदर किसी गौशाला से यहां पर कोई गौएं नहीं लाई गई, बल्कि आवारा घूम रहे पशुओं को यहां पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनको जब यहाँ लाया जाता है, नंदीशाला में पकड़ के लाया जाता है, वह गंदगी में पड़े पॉलीथीन इत्यादि खाने के आदि हुए होते हैं और उनकी हालात बड़ी ख़राब होती है। वे लगभग बीमार होते हैं और इसी कारण कई पशु मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि गायें और नंदियों के मरने के बाद भी उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसमें भी यही रिपोर्ट आई है कि पॉलीथीन खाने से पशु बीमार हुए हैं और मर गए हैं। अब विधायक साहब ने कहा कि इनेलो पार्टी के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीति को जिंदा रखने की फिराक में हैं, इसलिए वह लोग आए दिन कुछ न कुछ ड्रामा करके लोगों को गुमराह करने की ऐसी बातें करते हैं। विधायक ने दावा किया कि जितना विकास पूरे ग्वाला विधानसभा के इलाके के अंदर हो रहा है, उतना शायद ही किसी क्षेत्र के अंदर और इलाके के अंदर होता होगा। उन्होंने कहा कि चीका नंदीशाला के और अधिक कल्याण के लिए वह कई समाज सेवियों और दानी लोगों से संपर्क साध रहे हैं नंदीशाला की मदद करवाने के लिए। पशुओं के लिए चारे के लिए कई गांव से पंचायत की जमीन पर चारे की खेती करवा करके चारे का प्रबंध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही नंदीशाला की सभी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। जिम्मेवारी है वो अपने आप जितना भी हो सका वो सेवा कर भी रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है वो भी हमने कार्य किया। मैं एक दो बार मुझे जो बताया गया, बुलाया गया, मैंने निजी कोष से भी कुछ पैसे दिए, कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी ग्रांट कर पैसा इकट्ठा करवाया और उसके अलावा लगभग 25 लाख रुपये ग्रांट भी सरकारी पैसा भी लगाया गया, ग्रांट भी दी गई, तो वो चलने लग रही हैं, कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक कर रहे हैं। नहीं, कुछ थोड़ी मोटी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें ये है क्योंकि जो भी गायें वहाँ नंदी हैं जो इकट्ठे किए हुए हैं वो कोई किसी गौशाला से तो लाए हुए नहीं हैं, वो रोडों से लाए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं कोई कहीं किसी कस्बे से, किसी गाँव से, किसी शहर से, और जो बाहर खुले में फिरते हैं उन्होंने लिफाफे वगैरह भी खाते हैं, और जो भी गायें लगभग 5-10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वो अंदर से चोक हो जाते हैं तो उसके बाद बीमार भी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाती हैं, ऐसा भी आया कुछ, क्योंकि पीछे मेडिकल करवाया था तो डॉक्टरों ने उनको देख के ये बताया कि ये लिफाफे खाने के कारण कुछ मौत हुई है, गड़बड़ नहीं हो रही। बिल्कुल प्लेन खाली जगह थी, वहाँ अगर देखेंगे तो चारदीवारी बनी हुई है,
वहाँ वो खुलियाँ बनी हुई हैं, वहाँ चारे के लिए कमरा डाला हुआ है और बोर का पानी का इंतजाम हुआ हुआ है और उसके ऊपर दो शेड भी बने हुए हैं और ये सारे इंतजाम हैं वहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दस बारह दिन पहले ही मैं दौरा करके आया था, चेक किया था। आप ये जो बात कर रहे हो बहुत पहले की कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ नीचे फर्श भी पक्का किया गया है, ईंटें भी लगाई हुई हैं, क्योंकि उसमें से एक चौथाई भाग ही कच्चा छोड़ा हुआ है और तीन हिस्से भाग वो पक्का किया हुआ है, तो बिल्कुल अब ठीक है, बिल्कुल।